हेलो एंड वेलकम। और इस वीडियो में बात करते हैं हम प्लांट हैबिट के बारे में। देखिए, हैबिट क्या होता है। कोई भी जो जीव या पौधा होता है, उसकी जो बाहरी आकृति होती है, उससे वो देखने में कैसा प्रतीत होता है, उसे हम हैबिट कहते हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे प्लांट हैबिट के बारे में, यानी किस किस तरह के प्लांट होते हैं। इनमें हम नीचे दिए गए टर्म का यूज करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पौधे आते हैं, वो आते हैं हर्ब पौधे। ऐसे पौधे जिनसे हमें लकड़ी प्राप्त नहीं होती, वो एक वर्षीय, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय हो सकते हैं। और उनका जो जमीन से ऊपर वाला हिस्सा है, वो थोड़े समय के लिए जीवित रहता है। इस तरह के पौधों को हर्ब की श्रेणी में रखते हैं, जिन्हें हिंदी में शाक कहते हैं। सरसों इसका उदाहरण है। दूसरे प्रकार के पौधे आते हैं शर्ब, यानी झाड़ी नुमा पौधे, जो जमीन से, जिनकी बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं और इनसे हमें कुछ मात्रा में लकड़ी प्राप्त होती है, और ये बहुवर्षीय होते हैं। इसका उदाहरण है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, यानी गुड़हल का पौधा। तीसरे प्रकार के पौधे आते हैं हमारे पेड़, जिनका एकल मुख्य तना होता है और वे बहुवर्षीय होते हैं, और उनसे हमें लकड़ी प्राप्त होती है। इस तरह के पौधों को हम पेड़ की श्रेणी में रखते हैं। जो ज़्यादातर हम अपने आसपास बड़े बड़े पेड़ देखते हैं, वो इसी श्रेणी के होते हैं। अब कुछ स्पेशल कैरेक्टर की बात करें, जिन्हें हम अलग ही नाम से पुकारते हैं। सबसे पहले आते हैं क्लाइंबर पौधे। क्लाइंबर वे पौधे होते हैं जिनका तना कमज़ोर होता है और किसी विशेष अंग की सहायता से वे अपनी शारीरिक वृद्धि करते हैं। जैसे मटर का पौधा होता है, उसमें इस तरह हुक लाइक कुछ संरचनाएं होती हैं, उनसे वो आगे बढ़ता है। दूसरे आते हैं हमारे अधिपादप। अधिपादप वे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी स्वपोषी होते हैं। जो पैरासाइट होते हैं, यानी परजीवी जिन्हें कहते हैं, वो दूसरे पौधों पर उगते हैं और उन्हीं से अपना पोषण लेते हैं। जैसे अमरबेल इसका उदाहरण है। और है मृत जीवी, यानी सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट जो सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं और उन्हीं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। मोनोट्रोपा इसका उदाहरण है। देखिए, पैरासाइट और सेप्रोफाइट में मुख्य अंतर यह है कि जो पैरासाइट होता है, वो जीवित चीज़ों से अपना पोषण लेता है, जबकि जो सेप्रोफाइट होता है, वो मृत चीज़ों से अपना पोषण प्राप्त करता है। कीट भक्षी पौधे, यानी इंसेक्टिवोर, ऐसे पौधों को कहते हैं जो अपने शरीर के नाइट्रोजन यौगिकों की पूर्ति के लिए कीटों को पकड़कर और उन्हें मारकर अपने शरीर के लिए नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। ड्रोसेरा और यूट्रिकुलेरिया इसके उदाहरण हैं। लास्ट है हमारे सिम्बायोंट, यानी सहजीवी पौधे। ऐसे पौधे जो परस्पर सहयोग की भावना से एक दूसरे के पास रहते हैं, उन्हें हम सिम्बायोंट की श्रेणी में रखते हैं। जैसे माइकोराइजा लेग्यूमिनेसी कुल की जड़ों में रहता है। थैंक यू।